जय माता जी, राम राम सीताराम। ये ना सुबह सुबह श्री रावण के लिए ऐसा लो जे, इधर गुड़ है या इसमें गुड़ है, ये आता है देसी जैसा आता है, या देसी गुड़ आता है, ये कासा बोलते हैं इसको, या ना देसी गुड़ आता है, उसमें एक घी है, यानी इसमें घी है। घी और काकरेज दोनों का होता है, कभी काकरेज का होता है, कभी गीर का होता है। इतना घी डालते हैं सुबह सुबह, 100 ग्राम के आसपास होगा, यानी 100 ग्राम के आसपास। और इसमें ये शाम वाली कारेली की सब्जी है, यानी कि शाम वो बनाई थी, ये सब्जी होती है। सुबह सुबह सब्जी नहीं बना देते कोई, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे में सब्जी कौन बना देगा, कोई नहीं बना। इसमें रोटी है, गेहूं की भी है, बाजरे की भी है, दोनों है। इसमें सास है, इसमें सास है, बढ़िया सास भी आती है इसमें। ये सुबह सुबह हमारे तो इधर सीरामण बोलते हैं, सीरामण बोलते हैं। हमारे इधर नाश्ता बोलेगे ना तो अभी तो कोई ज्यादा गुस्सा नहीं करता, पहले तो हमारी माता जी थी ना वो गुस्सा करती थी। नाश्ता बोलेगे तो कहो तो नास्तिक होगा, वो ही नाश्ता करते हैं। सुबह सुबह सिरामण बोलते हैं रोटी खाने के लिए, कहाँ ऐसा बोलना चाहिए रोटी खाने के लिए, चलो कहाँ सिरामण बोलते हैं। तो पहले तो गुस्सा करती थी, ये नाश्ता नहीं बोलना ही कभी। तो ऐसा है भाई साहब, गाँव में रहने वाला कुछ ज़्यादा आइटम नहीं होती, लेकिन होती है बढ़िया, या ना होती है बढ़िया, वो खाने के लिए लायक होती है, बीमार भी कम आती है इसमें। या ना कि जो इसमें ये कारेले है, कारेले में वो हमारी सींग का ही तेल है, और इसमें धाणा जीरा वो सब हमारा ही है, एक मिर्ची और नमक वो ये दूसरे से लाया हुआ है, बाकी सब हमारा बना हुआ है घर का। ये गेहूं भी घर का है, ये घी भी घर का है, गुड़ बाहर से आता है, वो भी हमारे इधर गुजरात से आता है, गुजरात से आता है इधर। ये ऑर्गेनिक आता है, इसमें बनाया हुआ है राज भोग ऐसा लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक आता है। उसमें भी दो आता है आपका, ऑर्गेनिक भी आता है, सफ़ेद भी आता है। तो चलो भाई साहब, श्रीरावण करने के लिए आगे वीडियो में बने रहना। अन कीमत हो કેટલા લેવાનું થઈ ત્યાં કયો મને 2400 રૂપિયા કહ્યા હતા પેલા ભાઈ 2400 ये बैलों के लिए बैलगाड़ी हमारे इधर आती है, ऐसी बैलगाड़ी आती है हमारे राम लखन के लिए, ये लाया है तो पुरानी है 45 साल, यानी कि ऐसी आती है बैलगाड़ी हमारी, बहुत कोई बड़ी नहीं आती, छोटी आती है, पक्का की है, 50 साल के आसपास की, 45 साल बोल रहा था 2-4, तो ऐसी आती है। ये दोहरी है पर वो तो दूसरी मंगवाई है, क्योंकि ख़राब हो गई है, ना ख़राब हो गई है, आई है साथ में भी, लेकिन इधर से टूटा हुआ है ना, तो मैं बोला दूसरी लाएंगे, और इसमें लोखंड का डाला हुआ है, क्योंकि लोखंड का, तो मैं बोला ये लोखंड वाला नहीं चलेगा, क्योंकि लोखंड गर्म हो जाता है, बैल चलता है ना तो ये धूप में खड़ी रहता है गाड़ा, और तब ये गर्म हो जाता है, तो इसीलिए दूसरी मंगवाई है लकड़ी वाली। और इसमें ये इसमें थोड़ा उंगण बुंगण कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद चलाएंगे इसको। इसमें ये कपड़ा बपड़ा डाल के, यानी इसमें कपड़ा डाल के ऐसे करते हैं, तो ऐसा है भाई सब गाड़ा, यानी ऐसा है, बढ़िया मजबूत आता है, पहले यही था, सब बैलगाड़ी से ही काम चल रहा था, अभी तो इनसे काम चल रहा है। ये ट्रैक्टर टेलर है, ये भी देखो है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये छोटे वाला ट्रैक्टर का है, और ये बड़े वाला का 350 फुट का आता है, बहुत बड़ा आता है। ये काटा तो खाली ऐसा ही बैलगाड़ी तो घूमने के लिए लिया है, बैलों के लिए लिया है, ऐसी है सींग हमारी, ऐसी है भाई साहब सींग।
कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है नहीं, जो कमजोर है इसमें भी पानी भरा हुआ है तो कमजोर रहती है, इसमें बढ़िया है पानी नहीं लगा है तो, क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर से इसमें खुदाई की थी ना, फांगा लगाया था तो कहाँ कहाँ ऊपर नीचे रह गया है, ऐसी हो गई है। देखो बढ़िया सिंह है और बढ़िया हमारे शेर भी इधर खड़े है, हमारे शेर भी खड़े है इधर, देखो फैन बैन लगाया है, बस फैन लगाया हुआ है, दोनों इधर ही खड़े है, इधर इसको एक फैन लगा दिया, इसका मशीन तो बार बार खराब होता था तो मैं बोला ये फैन लगाते हैं तो माखी मच्छर कम आती है। देखो ये डाल दिया है सींग वाला पाला सुबह सुबह तो दोनों खा रहा है, ये दोनों भाई खा रहा है, देखो ये पास पास में ही खा रहा है, इधर कहाँ है दूसरा वहाँ खाएगा तो क्या प्रॉब्लम रहती, ऐसा है दोनों बस, ये दोनों ऐसा ही है हमारे राम लखन की जोड़ी, ये ना राम लखन की जोड़ी ऐसी है, वाह 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 वाह, ये ना ऐसी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन राम है और क्या लखन है। ये ना ऐसा है दोनों, तो बढ़िया इसको खुला रखा ना तो ज्यादा शांत भी हो गया है, ज्यादा शांत भी हो गया है। मैं थोड़ा अंदर देख आपको बताता, ये पानी भर के रखते हैं तो इधर ही पानी पीते हैं, तो पानी उधर भी आता है, देखो यहाँ ऑटोमेटिक पानी आता है, भरा रहता है 24 घंटा, लेकिन पानी इधर भरना पड़ता है, अभी तो एक टाइम इसको जोगाड़ देते हैं, दो टाइम नहीं देते क्योंकि बहुत अट्टाकट्टा हो जाता है, और इधर फैन लगा दिया है नया ले तो माखी कम आएगी, शांत भी बढ़िया रहता है मालिक के लिए, तो क्या है ना कि शांत भी बढ़िया रहता है, क्योंकि देखो खाना खा रहा है तो मैं कुछ भी करूं, क्या ना कुछ भी करूं हिलेगा ही नहीं, देख खाना भी छोड़ दिया, इतना शांत रहता है, लेकिन कोई जान पहचान वाला नहीं होता ना तो थोड़ा गुस्सा कर लेते, लेकिन ये मारते नहीं किसी को, बस ऐसे ही डराते हैं गुस्सा करके, क्या ना ऐसे ही डराते हैं गुस्सा करके। ये सुबह सुबह 8 बजा हुआ है, क्या ना 8 बजा हुआ है, फैन भी पूरा हिल रहा है, ऐसा है भाई साहब हमारे राम लखन की जोड़ी, और बढ़िया है दोनों, ये खेत में चलता है ना तो खेत भी खूबसूरत लगता है, किसान तो लगता है तो खेत भी खूबसूरत लगता है, बैलों चलता है और मिट्टी भी आशीर्वाद बढ़िया देती है, क्योंकि जमीन से वो बोलते हैं ना, पहला गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु जमीन होती है, तो जब तक आप जिंदा रहेगा तब तक जमीन का अनाज नहीं खाएगा तो आप जिंदा नहीं रहेगा, तो बढ़िया आशीर्वाद माँ भी देती है और जमीन भी देती है, और बैलों चलाएगा ना तो ही जमीन आशीर्वाद देगी, बाकी ट्रैक्टर से नहीं देगी, क्योंकि उसमें जो अड़सी आता है हमारे इधर हरपोलिया बोलते हैं, अड़सिया भी मर जाते हैं और जमीन भी खराब हो जाती है ट्रैक्टर का रबड़ से, जो ट्रैक्टर का टायर घूमता है ना, तो हमारे इधर विज्ञानी है गुजरात गवर्नमेंट का जूनागढ़ यूनिवर्सिटी कृषि का, वो बोलते हैं जितना नुकसान ट्रैक्टर करता है ना इतना नुकसान कोई नहीं करेगी, दवा और खाद भी नहीं करेगी, ट्रैक्टर इतना किसान को नुकसान दे रहा है, सही में दे रहा है, पर किसान को काम करना ही नहीं है, कोई किसान को बैल नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारे सिंह की फसल है ना हमारी साइड, तो एक किसान को हर वीघे में 20,000 दो फसल में नुकसान आती है, कहेंगे दो फसल बनाते हैं अभी सिंह में एक वीघे में कम से कम 1 क्विंटल ओसी होती है, कम होती है 1 से 1.5 क्विंटल, क्योंकि ट्रैक्टर इधर भी बॉर्डर पे नुकसान कर देती है, उधर भी बॉर्डर पे 20-20 फुट पे ट्रैक्टर घूमता है, वहाँ फसल बढ़िया नहीं होती, और 20 में जहाँ ट्रैक्टर चलता है वहाँ अड़सिया भी मार देते हैं, तो इसीलिए किसान को मरना है पर काम नहीं करना, दूसरे देश जाना है दूसरा करना है पर काम नहीं करना, बैल नहीं रखना, क्योंकि बैल रखेंगे तो इसको टाइम और टाइम पानी पिलाना पड़ेगा, खाना पिलाना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा, तो सब किसान भी हरामी हो गया है, उसमें हम भी आते हैं, ऐसे नहीं कम नहीं आते, पहले हमारे पास भी बैल नहीं था,
जो कि हम खेती करते भी नहीं थे, अभी कर रहा। पहले तो हम भाग में पार्टनर में किसी को दे 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 दे, तो तब भी मैं बेलों भाड़े से ही करवाता था। जो जिसके पास बेल था ना, उसको ही मैं पार्टनर में जमीन देता था, ज़्यादातर वो ही काम करता था। तो ऐसा है भाई साहब, अभी तो ये बेलो ही चलता है और बेलो ही बढ़िया रहता है। अभी तो हर किसान को ट्रैक्टर ही चलाना है, किसी को काम नहीं करना, कोई भी नुकसान होगा। हमारे इधर सिंग मगफड़ी बोलते हैं, मांडवी भी बोलते हैं, वो एक बीघे में 5-6 मण कम होती है, 150 kg के आसपास। और जब धनिया लगाते हैं, कोई जीरा लगाते हैं, कोई सना लगाते हैं, कोई गेहूँ लगाते हैं, वो सर्दी के टाइम में हमारे हियारा बोलते हैं, तब भी उसको वो 5-6 मण कम होता है। हमारे 20 kg का मण बोलते हैं, तो उसमें 5-6 मण 140 किलो 120 kg के आसपास कम होता है, लेकिन वो किसान को नहीं दिखाता। किसान को बस ट्रैक्टर ही चलाना है। तो एक बीघे में किसान को हर साल 20,000 का नुकसान ही आती है, पैसा वाला किसान कहाँ से बोलेगा। और बेलो रखेंगे ना हर किसान, तो ये गायू भी बचती रहेगी, बेल भी बचता रहेगा, किसान भी बचता रहेगा, और किसी के साथ भीख नहीं मांगना पड़ेगी, सुसाइड भी नहीं करना पड़ता। बहुत किसान सुसाइड करते हैं, वो बेलो नहीं रखता इसलिए सुसाइड करना पड़ता है। तो क्योंकि इसके पीछे गाय भी बचती रहेगी बेलों के लिए। पहले हमारे इधर बसड़ा आता था ना, तो जो जिसके पास खेती नहीं होती, खेती बाड़ी, उसके पास गरीब लोग के वहाँ बसड़ा आता था, तो 10-15 आदमी जाते थे कि मेरे को देना, और दूसरा बोलता है मेरे को देना। अभी तो ये बेलों का कोई रखता ही नहीं। पहले हमारे ज़्यादातर देसी नस्ल का आता है, देसी और गिर, वो चलाते थे। काकरेज भी हो तो हमारे जैसे रखते थे, हर आदमी काकरेज नहीं रखते थे, हम तो गाय भी काकरेज रखते थे पहले। क्योंकि हमारे साइड दोनों नस्ल है, 3 नस्ल है गाय की, वो भी दुनिया के सामने टक्कर लेगी ऐसी, गिर, काकरेज और एक गिर जैसी हमारे देसी नस्ल आती है। तो दोनों तीनों नस्ल बहुत बढ़िया होती है। आज ब्राज़ील में है वो हमारी गिर है, वहाँ काकरेज भी है, दूसरी भी गाय है, ऊँट भी है वहाँ। लेकिन जो नाम किया है दुनिया में ब्राज़ील का, तो गिर ने किया है, गिर और काकरेज ने। और ब्राज़ील का शकल भी इसने बदल दिया है, गिर और काकरेज ने। ये काकरेज सबसे पहले ब्राज़ील में गई थी, अभी भी वहाँ काकरेज प्योर है, यानी काकरेज भी है। तो अपने देश जो जिसको सोना की सीढ़ियाँ बना कर रखी थी ये बेलों ने, और बीमार भी, आयुष्य भी सब हर लोग का 100 साल के आसपास था, अभी 60 साल के आसपास हो गया है। आप हिसाब लगाएगा ना, तो 50-60 साल आ गया है इसका। देखो, देख रहा है तो शेर जैसे ही देख रहा है दोनों। तो अभी वो किसी को काम नहीं करना, वही तकलीफ है किसान को भी, यानी कोई किसान को काम नहीं करना, बैलो नहीं रखना, गाय नहीं रखना, घोड़ा नहीं रखना, देसी कुत्ता नहीं, और पशु पंक्षी को नहीं रखता। हमारे पहले इधर जब सिंह बारिश के टाइम में सिंह बोते थे ना, तब बोलते थे कि ये सबका देना भगवान के पास। किसान ऐसा मांगता था कि सुतार का देना, लुहार का देना, और गरीब को देना, पक्षियों को देना, ये गायों के लिए देना, मेरा पशु पक्षियों के लिए देना, बैलों के लिए देना, ऐसे मांगते थे। अभी तो ये ट्रैक्टर आया है तो गधा मजूरी आती है उसमें, तो उसमें तो मांगने के लिए कोई आता ही नहीं। और बैलों के 5 लाख के उसको नमन करके ही सलाते थे हर किसान। अभी तो किसान भी किसान नहीं दिया, किसान भी गधा हो गया है, या ना किसान भी सब गधा ही हो गया। ट्रैक्टर को तो क्यों 5 लगेगे, क्योंकि सबको ये अंग्रेज का कल्चर ही पसंद आया है। लड़कियों की कपड़ा टूटा हुआ पहनती है, पहले इधर कोई नहीं पहनती, अभी तो नंगी पुंगी घूमती है, तो बोलती है ऐसा है भाई साहब। तो ये हमारा राम लखन है, आशीर्वाद बढ़िया देना, या ना आशीर्वाद बढ़िया देना। जय माता दी।